नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 6.3। प्रश्नावली 6.3 से आपका वर्गमूल स्टार्ट हो जाएगा। वर्गमूल क्या होता है सबसे पहले वो समझ लीजिए। अगर आपने हमारी एक्सरसाइज 6.1 को नहीं देखा है तो पहले उसे जाके देख लीजिए। उसे देखने के बाद अगर आप इस एक्सरसाइज को हल करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आएगा। बहुत ही ईजी टॉपिक है आपका कि वर्गमूल। यहाँ पर अपन स्टार्ट करते हैं। अब क्या वर्गमूल, देखो अपन ने वर्ग निकाले थे और अब यहाँ पे करेंगे अपन वर्ग मूल। देखो अपन ने वर्ग निकाले थे कि एक का वर्ग क्या होता है, तो एक का गुणा एक में करेंगे तो क्या आएगा, एक। दो का वर्ग निकालना है तो दो का गुणा दो में करेंगे कितना आएगा, दो दूनी चार। दो का वर्ग क्या होता है, चार। इसे अपन दस तक के वर्ग लिखते हैं। देखो तीन का वर्ग क्या हो गया, तीन गुणी तीन नौ। चार का वर्ग क्या हो गया, चार गुणी चार चार चुके 16। पाँच का वर्ग क्या हो गया, पाँच गुणित पाँच पचम 25। छः का वर्ग क्या हुआ, छः गुणित छः छः चंग 36। सात का वर्ग, सात गुणित सात सतु सतु 49। आठ का वर्ग क्या हुआ, आठ गुणित आठ आठ अठियाँ 64। नौ का वर्ग क्या हुआ, नौ गुणित नौ कितना गया 81। और दस का वर्ग क्या हुआ, दस गुणित दस बराबर 100। अब देखो वर्गमूल का मतलब होता है अंडर रूट। जैसे कि अंडर रूट वन लिखा है तो इसका वर्गमूल मतलब अपन किसका वर्ग है, एक, एक का। एक का घात कितनी भी करो, एक का गुणा एक में कितनी भी बार करो एक ही आता है, तो एक का वर्गमूल क्या होगा आपका, एक होता है। जैसे आपको लिखना है चार, तो करणी में चार, करणी में चार मतलब ये क्या है, वर्गमूल। चार का वर्गमूल क्या होगा, तो अपन चार को क्या लिख सकते हैं, दो गुणित दो लिख सकते हैं, दो गुणित दो। तो दो गुणित दो मतलब दो कितनी बार है, दो बार। तो दो बार है तो ये करणी से बाहर निकल जाएगा एक बार करके, तो इसे बोलते हैं वर्गमूल। करणी चार, चार का वर्गमूल क्या है, दो। ऐसे ही नौ का वर्गमूल क्या है, तीन। उल्टा चलता है, 16 किसका वर्गमूल क्या होगा, चार। 25 का वर्गमूल पाँच, मतलब उस संख्या किस संख्या का वर्ग है। ठीक, जैसे गुण पचास का वर्गमूल निकाला है तो गुण पचास किस संख्या का वर्ग है, सात का, तो सात हो जाएगा। गुण पचास का वर्गमूल किया जाएगा सात, उल्टा चलता है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना अपने को कि संख्या और वर्गमूल का इकाई अंक, इकाई अंक। प्रश्न क्रमांक फर्स्ट है आपका, पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन। देखो उसमें का जो टॉपिक बनता है वो क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने करने इकाई अंक की संख्या संभावना है। इसमें आपका जो संख्या दे रखी है चार संख्या, इनमें आपको ये बताना है इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका इकाई अंक क्या रहेगा, सिर्फ बताना है आपको इकाई अंक। देखो इकाई अंक के लिए भी अपन गणना करते हैं कि ये सभी संख्याएं क्या है, वर्ग। ये क्या है, वर्ग। और ये आपका क्या है, वर्गमूल। क्या है, वर्गमूल है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। सौ किसका वर्गमूल, दस। 81 का वर्गमूल नौ। 64 का वर्गमूल आठ। गुण 50 का वर्गमूल सात। ऐसे ही एक का वर्गमूल एक, यहाँ तक चलता है। अब आपको इकाई अंक की गणना करना है संख्या। देखो वर्गमूल का इकाई अंक वर्गमूल है तो जैसे कि आपका एक है, ठीक, तो एक का वर्गमूल क्या हुआ, एक हुआ एक तो। और यहाँ पे 81 इकाई अंक क्या है, 81 है, तो इसका वर्गमूल भी क्या रहेगा, नौ रहेगा। तो नौ है तो अपना रह जाएगा एक और नौ। तो जिस संख्या का इकाई अंक क्या है, एक और नौ है, तो उसका वर्गमूल का संख्या का इकाई अंक क्या रहेगा, एक रहेगा। क्या रहेगा, एक। ठीक, जैसे किसी संख्या का इकाई अंक क्या है, एक और नौ है, तो उसका वर्गमूल का इकाई अंक क्या रहेगा, एक और नौ रहेगा। अब जैसे आपका चार दे रखा है, क्या है, चार। अब उस संख्या का वर्गमूल का इकाई अंक क्या रहेगा, देखो चार तो दो। संख्या आपकी चार है तो उसका वर्गमूल का इकाई अंक क्या रहेगा, दो रहेगा, क्योंकि दो का वर्ग चार है। उसके बाद यहाँ पे चार है तो किसका आएगा, आठ का। किसका, आठ का, ठीक है ना। ठीक, अब अपन लेते हैं कौन संख्या, एक और चार हो गई, तो उसके बाद नौ क्या देखना है, नौ देखना है। तो नौ का एक और नौ आ गया आपका छः देखेंगे। अब देखो छः, किसी भी संख्या का इकाई अंक छः है तो उसका वर्गमूल संख्या का इकाई अंक क्या रहेगा, देखो क्या आएगा आपका, छः है तो उसका चार रहेगा एक तो, और यहाँ पे छः में क्या रहा है, छः भी आ रहा है, तो चार और छः क्या रहेगा, चार और छः। उसके बाद लेते हैं अपन पाँच,
तो पांच का क्या रहेगा, पांच ही रहेगा, पांच का पांच होता है, जीरो का जीरो होता है, ठीक। तो कितना गया, एक दो तीन बच रहा है, तो तीन। अब यहाँ पे तीन देखेंगे तो तीन किसी भी संख्या का वर्ग है ही नहीं, तो उसे छोड़ दीजिए, ठीक है ना। आठ किसी भी संख्या के वर्ग के इकाई अंक में नहीं आता है, सात भी नहीं आता है, ठीक ना। तो जो भी अंक आते हैं वो अपन ने यहाँ पे लिख लिए हैं। अब देखो अपन सवालों को सोल्व करेंगे। प्रश्न क्रमांक पहला कि 98 01, ठीक। 98 01 है तो इस संख्या में के वर्गमूल में इकाई अंक देखो, वर्गमूल में इकाई अंक क्या रहेगा, इकाई अंक क्या है, एक है, तो एक और नौ क्या रहेगा, एक और नौ होगा। दूसरा है आपका 99 856, वर्गमूल में इकाई अंक क्या रहेगा, छः है, तो छः में क्या आएगा, चार और छः क्या रहेगा, चार और छः होगा। तीसरा लेते हैं अपन, देखो तीसरा क्या दे रखा है, 99 8001। अब एक वाला तो अपन सॉल्व कर चुके हैं, है ना। एक वाला क्या आएगा, एक और नौ, तो क्या जाएगा इसका वर्गमूल संख्या का इकाई अंक, वर्गमूल में इकाई अंक क्या रहेगा, एक और नौ होगा। अगली संख्या क्या है, चौथी लास्ट संख्या, देखो चौथा क्या है, 63 76 025। तो अब इसमें वर्गमूल में इकाई अंक क्या रहेगा, पाँच का पाँच ही रहता है, पाँच होगा। तो ये टॉपिक है आपका, बस आपको ये वाले अंक याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब दो प्रश्न क्रमांक दो बढ़ते हैं अपन। प्रश्न क्रमांक दो है कि बिना गणना किए वह संख्या बताए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग नहीं है। आपको गणना नहीं करना है, बस इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़ा अंक, कोई सा भी एक अंक देख के बताना है आपको कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अब देखो मैंने आपको एक्सरसाइज 6.1 में बताया था कि अपन यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन सी संख्या इसमें आपकी नहीं आ रही है, जिनमें आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये सभी संख्या क्या बोलते हैं अपन, वर्ग, पूर्ण वर्ग संख्या है। अब इनमें देखो इकाई अंक पे क्या क्या नहीं आ रहा है, एक तो नहीं आ रहा है तीन, तीन नहीं है कहीं भी इकाई अंक। उसके बाद क्या नहीं है, चार है, पांच भी है, छह भी है, सात नहीं है, आठ भी नहीं है, ठीक, और जीरो। जिन संख्याओं का इकाई अंक क्या है, तीन सात आठ या फिर जीरो होना चाहिए, एक, कितना, एक जीरो। यदि दो जीरो है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होती है, क्या होती है, दो जीरो है तो पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो जिसका इकाई अंक, जिन संख्याओं का इकाई अंक तीन हो, सात हो, आठ हो, जीरो हो, तो वो संख्या है क्या, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो अब देखो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है बताना है आपको, तो इसका इकाई अंक क्या है, 153 में इकाई अंक तीन है, इसलिए यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं। इसी का दूसरा सवाल है 257 में इकाई अंक क्या है, सात है। अब देखो इकाई अंक सात भी आ रहा है इन तीनों चारों संख्याओं में, तो सात है, तो ये भी क्या, पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए यह संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 408, तीसरा सवाल क्या है, 408। अब 408 में इकाई अंक क्या है, आठ, तो आठ भी इकाई अंक जिसका रहता है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं रहती है, तो ये भी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। चौथा सवाल है 441, 441 है 21 का वर्ग, किसका, 21 का वर्ग,
ये 441 का वर्गमूल निकलेंगे तो क्या आएगा, 21 आएगा। तो ये इसका इकाई अंक क्या है, एक। अब इकाई अंक एक है तो ये क्या पूर्ण संख्या है, क्या है पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, एक है। एक है। जिन संख्याओं का इकाई अंक 3 हो 7 हो 8 हो या 0 1 0 या 3 0 या 5 0 हो तो वो पूर्ण संख्या नहीं होती, किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होती है वो संख्या, ठीक है ना। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको 2 भी ऐड करना है, कितना, 2 भी, सॉरी 2 छूट गया था, 2 यहाँ पे आपका आया भी नहीं सवाल में से, लेकिन 2 भी होता है, 2 वाली संख्या, 2 भी नहीं आ रहा यहाँ पे, कहीं पे भी नहीं आ रहा है। तो 2 3 7 8 ये 4 संख्या है जिसका इकाई अंक है वो पूर्ण संख्या नहीं होती। तो उम्मीद है आपको पूरे दोनों क्वेश्चन सवाल समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड लेते हैं कि बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। सबसे पहला सवाल लेते हैं अपन 100। बार बार घटाने की विधि मतलब विषम प्राकृत संख्याओं को घटाना है, क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं को घटाना है, 0 तक न घटना है, जब तक घटना है जब तक कि 0 ना आ जाए। देखो सबसे छोटी विषम प्राकृत संख्या क्या है, 1। घटाने का बोल रहा है तो अपन 100 में से 1 घटाएंगे, कितना जाएगा 99, ठीक 99 आ गया। अब अपन लिखेंगे 99 माइनस कितना करेंगे, 1 के बाद विषम संख्या है। विषम संख्या क्या होती है, देखो विषम संख्या जिन संख्याओं का इकाई अंक क्या हो, 1 3 5 7 9, ये सभी संख्या क्या होती है, विषम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं अपन, जिनका इकाई अंक क्या हो, 0 2 4 6 8, तो ये सम संख्या 0 2 4 6 8 जिसका इकाई अंक हो, और विषम संख्या 1 3 5 7 9 जिसका इकाई अंक हो। तो क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं को आपको घटाना है, ठीक। 1 के बाद कौन सा आएगा, 3 घटाना है। अब 99 में से 3 घात कितना बचा, 96, ठीक। अब 96 लिखेंगे माइनस, 3 के बाद विषम संख्या क्या आ गई, 5, तो कितना बचा, 91 बचा, क्या बचा, 91। अब 91 लिखेंगे माइनस 5 के बाद क्या घटाना है, 7, कितना बचा, 84। जब तक घटाइए जब तक कि 0 ना आ जाए, बराबर में क्या ना आ जाए, 0। देखो अब 84 में से कितना घटाएंगे, 9, कितना 9, क्योंकि 7 के बाद कौन सी सभी विषम प्राकृत संख्या, 9 आएगी। देखो 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 75। अब घटा बताते हैं आपको, 75 में से कितना घटाएंगे, 11, तो क्या जाएगा, 64। 75 में से 11 गया तो कितने, 64। अब 64 में से 11 के बाद 13, 13 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 51, कितना आएगा, 51। अब 51 में से कितना घटाना है, 15, तो 51 में से 15 घटाएंगे कितना बचा, 36। अब 36 में से कितना घटाएंगे, 2, 15 के बाद क्या घटाना है, 17, तो कितना बचेगा, 19। 19 में से क्या घटाएंगे, 17 के बाद 19, तो 0, ठीक। अपन ने क्या किया, विषम क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं को घटाया, ठीक। अब कौन कितने, अच्छा कौन से चरण में आपका 0 आया है वहीं इसका क्या रहेगा, वर्गमूल रहेगा 100 का। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या आया, 10। तो 100 का वर्गमूल क्या हो गया, 10, क्या हो गया, ये है बार बार घटाने की विधि। अब दूसरा सवाल देखेंगे अपन, 169, कितना है, 169। जैसा अपन ने कुछ इस सवाल में किया 100 वाले में, ऐसा ही अपन 169 वाले में सोल्व करेंगे। क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं को घटाएंगे, सबसे पहले 169 में से 1 को घटाएंगे, कितना बचा, 168, ठीक। अब 168 लिखेंगे, 168 में से कितना घटाएंगे, 3, कितना बचा, 165। अब 165 में से कितना घटाएंगे, 3 के बाद 5, कितना बचा, 160। 160 में से कितना घटाएंगे, 7, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23, जहाँ तक जाना जाता अब तक घटना जब तक कि 0 ना आ जाए। देखो कितना बचा, 153, 153 में से कितना घटाएंगे, 7 के बाद 9, कितना बचेगा, 153 में से अपन 9 घटाएंगे तो 144,
ठीक, घटाते जाइए। 144 में से क्या घटाना है, 11, तो कितना बचा, 133। 133 में से कितना घटाएंगे, 11 के बाद 13, कितना बचा, 120। 120 में से कितना घटाएंगे, 15, 13 के बाद क्या आएगा, 15, कितना बचा, 10 में से एक हासिल लिया, 105 बचा, कितना बचा, 105। अब 105 में से कितना हटाएंगे, 17, तो 105 में से 17 गए तो कितना बचे, 88, है ना। ये घटा लेना, घटाना तो आता है ना आपको। अब 88 में से कितना घटाएंगे, 88 में से 19, 19 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 69। 69 में से कितना माइनस करेंगे, अब 19 के बाद क्या आएगा, 21। 69 में से 21 गया तो कितना बचा, 48। 48 में से कितना हटाएंगे, अब 21 के बाद 23, कितना बचा, 25। 25 में से क्या घटाएंगे, 23 के बाद 25, क्या गया, 0। अब कौन से चरण में 0 आया, इन्हें सभी को गिनना है। देखो यहीं से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो देखो 169 का वर्गमूल कितना गया, 169 का वर्गमूल मतलब करनी में 13। 13वां चरण में आपका 0 आया, जितने भी चरण जो जिस चरण में 0 आता है वही वर्गमूल संख्या रहती है। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको पूरे सवाल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दो प्रश्न क्रमांक 4, पूरा सवाल अलग है, थोड़ा अलग टॉपिक है पूरा, लेकिन आपको मोस्ट इम्पोर्टेंटली है तो आप समझ लीजिए, सीख जाइए। दो कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है और इससे कैसे सवालों को सोल्व किया है, मैं एक सवाल आपको समझाता हूँ, उससे आप पूरा क्लियर हो जाएंगे। चौथे का पहला सवाल है 729। अब इस सवाल को सोल्व करके इसका वर्गमूल बताना है कि क्या आएगा, और अभाज्य गुणनखंड विधि अपने को लगाना है। देखो 729 अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए आपको, क्या होती है। सबसे पहले वो संख्याएं जिनमें किसी भी संख्या से भाग ना जाए, स्वयं से भाग जाए और एक से भाग जाए, उसे अपन अभाज्य संख्या कहते हैं। आपकी अभाज्य संख्या होती है एक, सॉरी एक नहीं लेते हैं, 2 3 5 7 9 11 13 17 ऐसे अनंत तक चलती है। ये सभी संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करना है, वर्गमूल निकालना है, तो 729 को लिखेंगे अपन और इसे ऐसे बार लिख लेंगे, इस टाइप से आपको लिख लेना है। अब देखो एक नहीं है ना, एक काट दी, इन संख्याओं से आपको इनसे इसके अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है 729 के। इन्हीं संख्याओं से मतलब अभाज्य संख्याओं से ही आपको डिवाइड करना है, इनके अलावा कोई और संख्या नहीं लेना है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन 2 से स्टार्ट करेंगे। अब यह विषम संख्या है, इकाई अंक, तो 2 से जाएगा नहीं, 2 से नहीं जाएगा तो किससे करेंगे, 3 से करेंगे। ठीक, 2 से ना जाए 3 से, 3 से ना जाए 5 से, 5 से ना जाए 7 से, 9 से, 11 से, 13 से, कोई से भी ले सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से करना है, 2 से ही करना है। 2 से नहीं जा रहा है चेक कर लिया, ठीक छोड़ो, अब किससे लेंगे, 3 से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, 3। अब ध्यान समझना, 3 का भाग देना है 729 में। देखो 3 का भाग दिया अपन ने कितने में, 729 में, देंगे 3 दूनी 6, एक बचा, उतरे 2, 3 चूके 12, कुछ नहीं बचा, उतरे 9, 3 3 9, 243। तो आपको यहाँ पे 243 लिखना है। तीन से डिवाइड कर रहे हैं मतलब तीन का भाग दिया, जो आया भागफल वो यहाँ पे लिख दिया। अब वापस नेक्स्ट लेते हैं अपन, ठीक, अब वापस किससे करेंगे, 3 से, वापस 3 का भाग देंगे 243 में, और जो भागफल आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। 3 का भाग 24 में दिया कि 3 8 24, और 3 1 3, 3 का भाग 243 में देंगे तो 81 भागफल आएगा, तो 81 लिख दिया। अब वापस 3 से करेंगे, ठीक, 3 का भाग 81 में देंगे, अब 81 में देंगे तो देखो 3 2 6 कितना बचा, 2, उतरा 1 हो गया कितना, 21, 3 7 21 कितना आया, 27। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, 27। 27 में वापस 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 9 27, वापस 3 से करेंगे 9 में, 3 3 9, वापस 3 से करेंगे 3 1 3। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या,
वर्गमूल निकालना है मतलब दो अंकों के दो दो जोड़े बनाने हैं, दो संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। देखो एक दो और ये तीन, कितने जोड़े बने? तीन जोड़े बने। तो अपन इसे क्या लिख लेंगे, अंडर रूट 729 मतलब वर्गमूल, कितने जोड़े बन रहे हैं? तीन के तीन जोड़े, तो तीन को कितनी बार लिखेंगे गुणे में? तीन बार लिखेंगे, 3 * 9 * 9 = 27। तो 729 का वर्गमूल क्या आ गया? 27 आ गया। क्या गया? 27। ठीक, कुछ नंबर फर्स्ट कंप्लीट। अब सेकंड में और देख लेना अच्छे से, ध्यान से समझना, हर सवाल को सीखना है। क्या है? 400। दूसरा सवाल क्या है? 400। अब 400 के अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे अपन। देखो 1 अंक सम है, 2 से स्टार्ट करना है, 2 का भाग 400 में देंगे तो आधा कर दीजिए 200, वापस 2 का भाग 400 में 200 में देंगे तो कितना आधा कर देंगे? 200। 2 का भाग देना मतलब आधा करना। ठीक, वापस 2 का भाग 500 में देंगे कितना जाएगा? 50। 2 का भाग 50 में देंगे कितना जाएगा? 25। 1 अंक 5 है तो किससे करेंगे? 5 से, 5 * 25, वापस 5 से करेंगे, 5 * 5। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है? देखो 400 बराबर 2 कितनी बार है? 4 बार, 1 2 3 4 गुणित, और 5 कितनी बार है? 2 बार। अब देखो जोड़ा बनाएंगे तो अंडर रूट क्या बना? एक तो 2 का जोड़ा ये बना, ये 2 का जोड़ा बना और ये जोड़ा बना, क्या लिखेंगे? 2 * 2 * 5। तो 400 का वर्गमूल क्या जाएगा? 2 * 2 = 4 और 4 * 5 = 20। क्या आ गया? 20 आ गया। ठीक, अब आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे सवाल। तीसरा सवाल लेते हैं अपन। तीसरा सवाल है कि 1764 इका अंक समय 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, देखो 2 लिखा, अब 2 का भाग देंगे 1764 में, देखो कितने से भाग दिया? 2 से, जो भाग पर आएगा वो लिखेंगे, तो 2 * 8 = 16 कितना बचा? 1, उत्तर 6, वापस 2 * 8 = 16 कुछ नहीं बचा, उत्तर है 4, 2 * 2 = 4 कितना आया? 882। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन? 882। वापस 2 से करेंगे, देखो अब 2 से 8 में करेंगे 2 * 8, फिर 2 से 8 में किया 2 * 8 और 2 * 2 में किया 2 * 1 = 2, भागफल लिख रहे हैं अपन 441। अब इकाई अंक विषम आ गया 1, अब इकाई अंक विषम आ गया तो क्या जाकर से करेंगे अभी सोल्व? इसे 3 से। ठीक, अब 3 से करना है तो कैसे पता करोगे 3 से करने पे आएगा या नहीं आएगा? तो इसमें जो संख्याएं होती है उन्हें जोड़ लीजिए, 4 और 4 कितना हो गया? 8, और 8 में एक जोड़ेंगे कितना होगा? 9। अब 9 है तो 9 में 3 का भाग चला जाता है, मतलब इस 441 में 3 का भाग चला जाएगा। तो 3 से करेंगे, 3 का भाग देंगे 441 में, देखो 441 में कितने से भाग देंगे? 3 से, 3 * 3 बचा 1, उत्तर 4, 3 * 12 कितने बचे? 2, उत्तर 1, 321 कुछ भी नहीं बचा, तो कितना है? 147। ठीक, अब किससे करेंगे वापस? 3 से, देखो 3 का भाग 147 में देना है ना, तो 147 में कितने का भाग देना है? 3 से, कितना है? 3 * 12 कितने बचे? 2, उत्तर 7, 3 * 7 = 27 कितना आ गया? 49। अब 49 में किससे करना है? देखो 5 का नहीं जाएगा क्योंकि इकाई अंक क्या? 9 है। 5 का किसमें भाग जाता है? जिसमें का इकाई अंक 5 हो। अब 7 के बाद 9 करेंगे, सॉरी कितना? 7, 7 से करेंगे, 7 * 7 = 49 होता है, तो 7 से करेंगे, 7 * 7 = 49 वापिस 7 से करेंगे, क्या गया? 1 आ गया। तो 1764 का क्या क्या है? देखो 2 * 2 * 3 * 3 7 * 7, एक तो 2 का जोड़ा बना, 1 * 3 का जोड़ा बना, 1 * 7 का जोड़ा बना। तो यहाँ पे वो अंडर रूट लगा देंगे, वर्गमूल निकाल रहे हैं, इसलिए 2 * 3 * 7 इनका गुणा कर लेंगे, 3 * 2 = 6 और 6 * 7 = 42। तो 1764 का वर्गमूल क्या गया? 42, मतलब 42 का वर्ग होता है 1764। तो ऐसे ही आप स्टेप बाय स्टेप सवाल को सोल्व करते जाइए, सीखते जाइए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। चौथा सवाल है 4096, किसका निकलेंगे? 4096 का। देखो 2 से डिवाइड करेंगे 4096 को तो क्या आएगा? 2 * 2 = 4 = 0 ऐसा कैसे ही? 2 * 8 और 2 * 8 = 16 2048। 2 का भाग दिया अपने 4096 में तो कितना है? 2048 आया। वापस 2 से करेंगे तो 2 * 1 = 2
जीरो, दो दूनी चार और दो चौके आठ। वापस दो से करेंगे तो दो एक में नहीं जा रहा है तो कौन क्या करेंगे, दस लेंगे, दो पंजे दस, एक दो एकम दो, दो दूनी चार, भाग दे रहे हैं भागफल लिखते जाओ। वापस दो से करेंगे, जब तक कि सम संख इकाई का अंक सम है तब तक दो से ही करना है, विषम संख्या आ जाएगी उसके बाद अपन दूसरी संख्या से करेंगे। दो से पाँच में करेंगे, दो दूनी चार, एक बचा हो गए 11, दो पंज 10, दो छंगे 12, दो का भाग 500 आराम दिया, 256 आया। वापस दो से करेंगे, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो अठे 16। वापस दो से करेंगे, दो छंग 12, दो चूक 8। 64 में करेंगे दो से, दो तिया छः, दो दूनी चार। 32 में करेंगे दो से, दो एकम दो, दो छंगे 12, दो अठे 16। फिर दो से किया, दो चूके 8, फिर दो से किया, दो दूनी चार, फिर दो से किया, दो एकम दो, दो 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 चलता आ रहा है। अब देखो 4096 कितनी बार है, दो गिनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, बारह बार लिख देता हूँ मैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह और 12। अब इसका अंडर रूट निकालेंगे, तो अंडर रूट लिखते हैं 4096 वर्गमूल निकालने के लिए क्या क्या जोड़ा बन रहा है, एक दो तीन चार पाँच छः, दो दो से, अब छः बार बन दो दो का जोड़ा छः बन रहा है 6 बार, तो फिर सब क्या लिखेंगे, दो एक दो तीन चार पाँच छः। अब इसका क्या वर्गमूल आ जाएगा 4096 का, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, इसलिए करना, दो चार छः आठ दस बारह गलत हो जाएगा, गुणा नहीं करना, गुणा करना है जोड़ना नहीं है। दो दूनी चार, फिर चार का दो में किया आठ, फिर आठ का दो में किया 16, 16 का दो में किया 32, 32 का दो में किया 64, तो कितना गया 4096 का वर्गमूल 64। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। ठीक, अब आपका है क्वेश्चन नंबर 5, पाँचवा है 77/44, कितना 77/44 का वर्गमूल निकालना है, कौन सी विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि। अब देखो वापिस दो से करेंगे क्योंकि इकाई अंक क्या है चार, चार क्या है सम संख्या, तो 77/44 में अपन कितने से भाग देंगे, दो का भाग देंगे, तो क्या आएगा, दो तिया छः, ऊपर लिख देता हूँ कितना बचा, एक उतारा सात, दो अठे 16, कितना बचा, एक उतरे चार, दो सत्ते 14, कुछ नहीं बचा, उतरा चार, दो दूनी चार, कितना आएगा 3872। अब 3872 में दो से करेंगे, अब देखो यही करना सीखिए, इसे भाग कब तक करोगे, क्या करना है, दो का भाग देना है तीन में, तो तीन में नहीं जा रहा है, दो एकम दो, एक बार में दो चला गया, अब तीन में से दो घात कितना बचा, एक, एक के आगे क्या उतारेंगे अब अपन आठ, तो कितना का दूनम 18, 18 में से 18 गए, कुछ नहीं बचा। सात लिया अपन ने तो दो तिया छः, सात दो चुका ज़्यादा हो जाएगा, दो तिया छः लिया एक बचा, अब आप उतारे कितने दो, 12 हो गए, तो दो छंगे 12, ऐसे दो से करेंगे। देखो प्रैक्टिस करोगे सीखो, गणित प्रैक्टिस करने से सीखते हैं। अब दो का 19 में देंगे, एक में ज़्यादा 19 में देंगे, तो दूनम 18 एक बचा, 13 हो गए नौ, तीन उतारा तो, फिर दो छंगे 12, 13 में से 12 जाते एक, फिर 6 उतारा 16 हो गए, तो दो अठे 16। वापस किससे करेंगे, दो से, जब तक इकाई विषम ना आया दो से करते रहिए, दो चूक 8, दो अठ 16 और दो चूके 8, फिर दो से करेंगे, दो दूनी 4, दो चूक 8, दो दूनी 4, फिर दो से करेंगे, दो एकम दो, दो दूनी 4, दो एकम दो। अब देखो तीन से नहीं जा गए, क्यों, क्योंकि इनका एड करने पर कितना रहा है, दो और एक तीन और एक चार, चार में तीन का भाग नहीं जाता है। पाँच से नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि इकाई अंक क्या है, एक है। पाँच के बाद सात से, सात से देखते हैं तो सात एकम सात, बचे पाँच, 51 नहीं जाएगा। नौ से, तीन से नहीं जा रहा है तो नौ से भी नहीं जाएगा। उसके बाद 11 से करेंगे, तो देखो 11 से 121 में देंगे, तो 11 एकम 11 कितने बचे, एक उतर एक, फिर 11 एकम 11 कुछ भी नहीं बचा, तो क्या गया 11 से दिया तो 11 बार में। अब 11 से वापस करेंगे तो कितना आ गया, एक अभाज्य संख्या, तो उससे कर लीजिए, तो 77/44 का कितना आया, क्या क्या है, दो दो कितनी बार है, दो छः बार, तीन चार पाँच छः इंटू 11 इंटू 11। अब इनका जोड़ा बन रहा है, देखो एक दो का बन रहा है, दो का बन रहा है, दो का बन रहा है, 11 का बन रहा है, तो 77/44 का वर्गमूल दो गुणित दो गुणित दो गुणित 11। ठीक, अब इनका गुणा करेंगे, दो का दो में किया चार, चार का दो में किया आठ, आठ का 11 में किया कितना गया, 11 अठे 88, तो 77/44 का वर्गमूल क्या है,
88 88 है। उसके बाद छठा सवाल लेते हैं अपन, दो छठा सवाल क्या है अपना, छियानवे जीरो चार कितना है, जो छठा सवाल 96 04। अब देखो 96 04 का करेंगे अपन, दो से करेंगे तो कितना जाएगा, दो चूके आठ, दो का भाग दे रहे हैं, दो आठ 16, फिर जीरो और फिर क्या जाएगा, दो दूनी चार, 48 02, फिर दो से करेंगे तो कितना जाएगा, देखो दो दूनी चार, दो चूके आठ, जीरो दो एकम दो, 24 01। अब देखो 24 01 आ गया अपना, अब 24 01 में किससे करेंगे, चार दो छः और एक सात, सात से करेंगे, देखो सात से दिया 24 01 में अपन ने भाग, तो कितना आ गया 17 21, कितना बचा तीन, उतारे जीरो हो गए 30, सच्चू का 28, कितने बचे दो और उतारा एक 21, 17 21, कितना आएगा 343, 343 में फिर सात से करेंगे, तो सात का भाग 343 में देंगे, सच्चू का 28, 34 में से 28 गया तो बचे 6, हो गए 63, सत्तू सात नाम 63, 49 में सात से करेंगे, सत्तू सत्तू 49, फिर सात से करेंगे, सात एकम सात, अब इन सबको गुणा करेंगे, देखो क्या जाएगा आपका 96 04, क्या क्या आएगा आधा जीवन कांड, दो बार दो है और चार बार सात है, तो दो दो संख्याओं के जोड़े बन गए, एक तो दो का, एक सात का और एक सात का, तो इसका 96 04 का वर्गमूल किया जाएगा, 2 × 7 × 7, देखो 7 × 14 1498, तो 96 04 का वर्गमूल कितना गया 98, तो 98 का वर्ग क्या है, मतलब 96 04 9604 होता है। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर छठा भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7, देखो सातवां हवाल है 59 29। अब ऐसी संख्याओं का कैसे करना है, इकाई अंक विषम है तो दो से तो जाएगा नहीं, तीन से चेक करेंगे, इन सभी संख्याओं को जोड़ना है, पाँच का नौ में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14, 14 में दो जोड़ेंगे 16, 16 में नौ जोड़ेंगे 25, अब 25 को वापस जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 5 और 2 7, 7 में 3 से भाग नहीं जा रहा है, 9 से भाग नहीं जा रहा है, तो इस संख्या में 3 का भी नहीं जाएगा और 7 का 9 का भी नहीं जाएगा। उसके बाद आप 7 से देखेंगे, तो 7 का कोई नियम नहीं होता है, 7 से डायरेक्ट भाग दे के देखते हैं, देखो 7 का भाग देंगे अपन कितने में 59 29 में, तो 7 2 8 56 कितना बचा 3, उतरे 2। अब देखो 7 का अपन 32 में करेंगे, 7 4 28 कितना बचा 12 में 8 गए तो 4, उतरे 9, 7 7 49 कितना 847, तो यहाँ पे किल जगह 7 से करेंगे तो 847। अब 847 में अपन वापस 7 से करेंगे क्योंकि जोड़ा बनाना है अपने को, तो 7 से वापस करेंगे तो 7 से करेंगे, 7 एकम 7, 8 में 7 गया तो 1 बचा, 1 के आगे 4 उतरा 14 हो गए, 7 दूनी 14, 14 14 का 0, 7 उतरे 7 एकम 7। अभी किसका भी अपन ने निकाला 11 का, तो 59 29 का क्या आया आवाज गुणनखंड, 7 × 7 × 11 × 11, इसे लिखेंगे अपन देखो अंडर रूट में, कौन कौन सा उनका जोड़ा 7 का और एक 11 का, तो 7 × 11 कितना गया 11 7 77, तो इसका आंसर क्या है 77। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं नवा, देखो सॉरी ये सातवा था, आठवा लेते हैं, आठवा सवाल है 96 16, इकाई अंक समय दो से करेंगे, देखो दो का नौ में देंगे तो 2 चूका 8, ठीक उत्तर एक हो गए 12, बचा एक है ना, तो 12 2 6 12 भाग नहीं जाए उसकी 0 लगाएंगे, 2 8 16, ठीक कितना आ गया 46 08। अब इसमें वापस दो से करेंगे, देखो 2 2 4 2 3 6 0, 2 चूके 8 23 04 आ गया। अब 23 04 में वापस दो से करेंगे, 2 एकम 2 2 एकम 2, 2 5 10 और 2 2 4, ठीक 11 52 11 52 में वापस दो से करेंगे, 2 5 10 2 7 14 और 2 6
12 भाग दे रहे हैं अपन 2 का, ठीक है ना। वापस 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 8 16 228 आ गया। वापस 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौके 8, 144। 144 में वापस 2 से करेंगे, 214, 2 दूनी 4, 72 में 2 से करेंगे 36 आ जाएगा। 36 में 2 से करेंगे 18, 2 का भाग दे रहे हैं आधा करते जाओ। 18 में 2 से करेंगे 9, 9 में कितने से करना है 3 से, 3 3 9, 3 एकम 3। तो देखो 92 16 का क्या क्या है, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गुणित किया जाएगा 3 × 3। तो अब का वर्गमूल क्या बनेगा, 9216 बराबर 1 2 3 4 5। तो दो दो के संख्याओं के जोड़े बने 5 और एक जोड़ा बना 3 का, उनका गुणा कर लेंगे, ये जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो किसका वर्गमूल क्या गया, 64 आ गया, सॉरी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तिया 3 है ना, तो 32 तिया कितना होता है, 32 × 3 96। तो 96 का वर्ग होता है 9216। तो इसका वर्गमूल क्या गया, 96। अब अगला लेते हैं अपन 529, नवा सवाल है अपना 529। देखो 5 2 7 और 9 कितना होता है 16, तो अब इसमें जाएगा नहीं अपना 2 से भी नहीं जाएगा, देखो 2 से जाना नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा। 7 से करके देखते हैं, 7 से करते हैं 529 में, 7 7 49, 12 में से 9 गए 3, उत्तर है 9। अब 39 में 7 का नहीं जा रहा है तो 7 से भी नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा, इसमें 11 के बाद 13 से भी नहीं जाएगा। तो ये किसका वर्ग है, 23 का, डायरेक्ट 23 से कर दीजिए, 23 से करेंगे 23 बार में, वापस 23 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका क्या जाएगा, 529 बराबर 23 × 23, तो क्या आ गया आपका, अंडर रूट 529 बराबर 23। आखिरी सवाल है 10वां, तो आपका 8100 क्या है, 8100। अब देखो 2 जीरो हैं यहाँ पे, कितनी जीरो है, 2 जीरो है, तो अपन सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 चौक 8, 2 5 10, क्योंकि भाग जाए उसकी जीरो लगानी, फिर जीरो, ठीक। वापस किससे करेंगे, 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, 2 5 10, वापस 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2, अब 2 से नहीं जाएगा, यहाँ किससे करेंगे, 5 से, कहीं 5 है ना, 5 से कर दीजिए, 5 चौक 20, 0 5 25, वापस 5 से करेंगे, 15 40, 5 एकम 5, 81 आ गया। तो 81 किससे करेंगे, 3 से, 3 से करेंगे, 3 3 9, सॉरी 3 2 6 ज़्यादा होगा, 9 ज़्यादा हो जाएगा, 3 2 6, 3 7 21, वापस 3 से करेंगे, 3 9 27, वापस 3 से करेंगे, 3 3 9, वापस 3 से करेंगे, 3 1 3। तो 8100 का क्या आया, 2 × 2, 5 × 5, 3 4 बार है, क्या जोड़ा बन गया, 1 2 का, 3 5 का, और 3 बार 2 बार 2 का, 3 का। तो 8100 का वर्गमूल क्या जाएगा, 2 × 5 × 3 × 3, क्या गया, देखो 15 10, 10 30 और 30 90। देखो 2 जीरो है तो 2 जीरो के 1 जीरो आ गई, 81 का वर्गमूल किया 9, ठीक है ना। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 तक के कंप्लीट हो चुके हैं, उम्मीद है आपको सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्रमांक 5 है कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये आपको 6 सवाल दे रखे हैं, इन सवालों का आपको ऐसी सबसे छोटी पूर्ण संख्या बतानी है जिसमें अपन इस संख्या में गुणा करें तो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसके लिए आपको इस सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड तोड़ने होंगे। ऐसा सवाल आए तो आपको क्या करना है, गुणा करने पर या भाग करने पर तो आपको क्या निकालना है, सबसे पहले उसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है। तो अपन लिखते हैं, पाँचवे का पहला है 252, पाँचवे का पहला 252, 252 के अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे अपन, ठीक। अब देखो 2 से करेंगे, सम संख्या है तो 2 का 1 में 2, 2 का 2 में लिए 2 एकम 2, 2 का 5 में देंगे 2 दूनी 4, बचे 1 हो गए 12, 2 छेंगे 12, 2 का भाग 252 में दिया कितना गया 126, 126 में वापस 2 से करेंगे, देखो 2 1 में नहीं जा रहा था अपन 12 लेंगे, 2 छेंगे 12,
और 6 में दिया तो 2 तिया 6। अब देखो क्या आ गया, 3 आ गया और 6 63 है, तो 63 में किससे करेंगे अपन, 3 से। क्यों? क्योंकि 6 और 3 का योग करेंगे कितना आएगा 9, 9 में 3 का भाग चला जाता है तो अपन 3 से करेंगे। और यहाँ पे विषम संख्या आ गई इसलिए 2 से नहीं करेंगे, 3 से करेंगे। 3 दूनी 6, 3 एकम 3। वापिस 21 में 3 से करेंगे, 3 सते 21। अब 7 अभाज्य संख्या है तो 7 में किससे करेंगे, 7 से करेंगे। तो 252 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, देखो 2 × 2 × 3 × 3 × 7। अब देखो यहाँ पे आपका 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन 7 सिंगल है, 7 के साथ किसी भी संख्या नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका जोड़ा बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, 7 क्या करेंगे, 7 से गुणा करने पर, कितनी संख्या से, 7 से गुणा करने पर। इस संख्या में अपन 7 का गुणा करेंगे तो वो संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। 252 में अपन 7 का गुणा करेंगे, देखो 7 × 2 = 14 हासिल 1, 7 × 5 = 35 और 36 का 6 हासिल 3, 7 × 2 = 14 = 17, 1764। अब 1764 उन्होंने दिया है कि उस संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए, तो 1764 का वर्गमूल निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ अपन ने 7 का गुणा और कर दिया, यही है आपका, तो यहाँ अपन इसका 1764 का वर्गमूल निकालेंगे, तो यही संख्या देखना है आपको, इसमें 7 का गुणा कर दिया, 7 का युग्म बन गया, जोड़ा बन गया, तो क्या आएगा, 2 × 3 × 7, 7 का युग्म भी कंप्लीट कर लिया ना अपन ने, तो इनका गुणा कर देंगे तो कितने आएगा, 2 × 3 = 6, 6 × 7 = 42, तो 1764 का वर्गमूल क्या आ गया, 42 आ गया, ठीक है ना। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो गई, 7। आपको इनके अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है, युग्म मिलाना है, जोड़े बनाना है, मतलब जो संख्या सिंगल है उस संख्या का गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, उसका वर्गमूल निकालने के लिए उन्हीं संख्याओं को जोड़े को अपन गुणा कर देंगे तो आपका उस संख्या का वर्गमूल भी निकल आएगा। तो यह आपका पांचवा का पहला कंप्लीट। दूसरा सवाल 180 में अपन 2 से डिवाइड करेंगे, देखो अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे 2 से करेंगे, तो 2 का 1 में जा रहा 18 में लेंगे, 18 में लेंगे 2 में 18, ठीक। अब 0 ऐसा कैसे ही, वापस 2 से करेंगे, सम संख्या तो 2 से करते जाइए। अब 90 में आपको पता है कि 90 में भाग देंगे अपन, तो 2 का 90 में भाग देंगे कितना आएगा, आधा कर दीजिए, 90 का आधा कितना होता है 45, 2 का डिवाइड मतलब उसका आधा कर दो। वह अब दो देखो इकाई अंक 5 है, तो 5 है तो इसमें 2 का नहीं जाएगा, तो अब किससे डिवाइड करेंगे अपन इसे, 3 से, 3 से डिवाइड करेंगे, देखो 3 से अपन 45 में भाग दे लीजिए आप, देखो 3 एकम 3 कितना बचा, 1 उतरे 5, 3 पचे 15, क्या गया 15, 15 में 3 से करेंगे, 3 पचे 15। अब अभाज्य संख्या 5, तो 5 से कितने करेंगे, 5 से, तो आपका क्या है, देखो 180 2 × 2 × 3 × 3 × 5। अब यहाँ पे 2 का युग्म बन गया, 3 का युग्म बन गया, लेकिन 5 बच रहा है सिंगल, ठीक। तो इसमें कितने गुणा करेंगे अपन, 5 से गुणा करने पर, कौन सी 180 पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखो 180 में किया अपन ने 5 का गुणा, कितना गया, 5 का 0 में किया 0, 5 का 8 में किया 40 का 0 हासिल 4, 5 एकम 5 और 5 चार 9, 900 कितना गया, 900। अब 900 का वर्गमूल निकालना है, तो 900 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, देखो 2 का जोड़ा है, 3 का जो युग्म है, 5 का और बना लेंगे अपन, 2 × 3 × 5, क्योंकि अपन ने 5 का गुणा कर दिया ना, तो कितना गया है, 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30, ठीक। समझ रहे हो ना सवालों को, बहुत ईजी सवाल है, आप समझते जाइए सीखते जाइए। अब थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, देखो तीसरा क्वेश्चन है 1008। अब 1008 में अपन करेंगे 2 से, तो 2 से 1 मिल जाएगा 10 लेंगे, 2 × 5 = 10, 10 ले लिया, अब ये 0 ऐसा कैसे सुधर गया, 2 का 8 में दिया 2 × 8 = 8, 504, 1008 का आधा कितना था 504, आधा करना 2 का भाग देना मतलब। अब 2 का अपन कितने में देंगे, 504 में, देखो 2 का 4 5 में देंगे, 2 × 2 = 4, बचे 1 हो गए 10, 2 × 5 = 10 और 2 × 2 = 4, 252, 252 का भी अपन ने किया 126 63 21 7, 2 2 3 3 7, यही आप यहाँ पे उतार दीजिए या तो या फिर पूरे कर लीजिए। देखो मैं कर देता हूँ, 2 से किया अपन ने 2 एकम 2 2 × 4 2 × 6 = 12, वापस 2 से 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, अब विषम संख्या के 3 से कर लिया, 3 × 2 = 6, 3 एकम 3, फिर 3 से किया 3 से 21 7 से किया 7 एकम 7। अब 1008 का क्या है, देखो
दो कितनी बार है? एक दो तीन चार बार, एक दो तीन चार, तीन कितनी बार है? दो बार, और सात कितनी बार है? एक बार। अब इनका युग्म बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे। देखो दो का बन रहा है, दो का बन रहा है, तीन का बन रहा है, लेकिन सात सिंगल है, तो किससे गुणा करेंगे अपन? सात से गुणा करने पर, किन संख्या से? सात से गुणा करने पर 1008 पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक, अब गुणा कर देंगे अपन। देखो 1008 में कितने गुणा करना है? सात का, है ना? सात का गुणा करेंगे तो 7 और 2 56 का 6 हासिल 5। 7 का 0 में क्या? 0, 5 जोड़ा तो 5 हो गए। वापिस 7 का 0 में क्या? 0, 0 में किसी भी संख्या को गुणा करते हैं 0 आता है। 7 का 1 में क्या? 7 1 करना 7, 7 एकम 7, 7056। अब 7056 का वर्गमूल निकालेंगे तो अंडर रूट लिखेंगे 7056 बराबर। देखो क्या किस किस का जोड़ा बन रहा है? 2 का 2 का 3 का और 7 का अपन ने बना लिया, तो क्या आएगा? 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 7, इनका गुणा कर देंगे। देखो 2 दूनी 4 4 3 12, 12 7 की 84। तो इसका आंसर क्या आ गया? 7056 का वर्गमूल क्या है? 84। और 1008 में किसका गुणा करेंगे अपन? 7 का गुणा करेंगे तो वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब देखो चौथा सवाल, चौथा क्वेश्चन है 2028, 2028 दो से क्या? देखो 2 एकम 2, 0 ऐसा कैसे उतारा? वापस 2 एकम 2, 2 चूके 8। अब वापस 2 से करेंगे, 1 मिनट जाएगा 10 लेंगे, 2 पंजे 10। अब देखो 1 मिनट नहीं जा रहा है तो अपन 14 लेंगे, तो दो संख्या एक साथ ले रहे हैं तो भाग जाए उसकी 0 लगाना है, और 2 7 14 57 नहीं लिखना है, 507 आएगा, भाग जाए उसकी 0 लगती है। वापस 2 से, अब देखो 2 से नहीं जाएगा, किससे करेंगे? 3 से, क्यों? क्योंकि 7 5 12, 12 में 3 का भाग चला जाता है, 3 लेंगे, तो 3 एकम 3। देखो 507 में अपन 3 से डिवाइड करते हैं, 3 एकम 3 कितना बचा? 5 में 3 गया 2, क्या उतारा? 0 3 18 कितने बचे? 2 उतरे 7 हो गए, 27 3 9 27 कितना गए? 1 6 9। अब देखो 169 है, 169 में अपन किससे करेंगे? 3 से नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि 9 6 15 16, 16 में 3 का डिवाइड नहीं जाता है, 1 5 नहीं है तो 5 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा क्योंकि 7 2 14 बचे 2 29 हो गए, 29 में नहीं जाएगा। उसके बाद 11 से करेंगे, 11 एकम 11 बचे 5 59 में नहीं जा रहा है, 13 से करेंगे। देखो 13 से करेंगे तो 13 एकम 13 और बचे 3 39, 13 से चला जाएगा क्योंकि 13 का वर्ग है, 13 से किया 13 एकम 13। अब 16 में से 13 गए कितने बचे? 3 उतरे 9 39, 13 39 कितना गया? 13 एकम 13। अब देखो इसका क्या क्या है, 2028 का आया 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13 गुणित 13, 13 का जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा बन गया, युग्म बन गया। अब बच क्या रहा है? 3, तो किससे गुणा करेंगे? 3 से गुणा करने पर, 3 बच रहा है ना, तो 3 से गुणा करने पर क्या? 2028 पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 3 से गुणा करेंगे 2028 में कितना आएगा? 2, 3 8 24 का 4 हासिल 2, 3 2 6 और 2 8, 3 का 0 में क्या? 0 और 3 2 6, 6084। अब 6084 का वर्गमूल निकालेंगे अपन, तो अंडर रूट कितने लिखेंगे? 6084 बराबर। देखो 2 का जोड़ा बन रहा है, 13 का जोड़ा बन रहा है, 2 गुणित 13 गुणित 3 का नहीं बन रहा था अपन ने लिख लिया 3, अब इनका गुणा कर देंगे तो 13 2 26 26 का 3 में गुणा कर दीजिए। देखो 3 2 6 ऐसा कर लीजिए, 2 का 3 में क्या? 6 6 का 13 में करेंगे, 13 6 78, 78 का वर्ग है 6084 और 6084 का वर्गमूल है 78। ठीक है ना, तो आपके क्वेश्चन नंबर 4 तक के कंप्लीट हो चुके, उम्मीद है आपको अच्छी समझ में आ रहे होंगे सवाल। अब देखते हैं अपन कौन सा क्वेश्चन नंबर 5, 1458, 1458। देखो हमारी बैटरी भी थोड़ा सा नाच रही है, उसे अपन सुधार देंगे। देखो 2 से कर दो, 1 मिनट 14 लिया, 2 7 14, 5 में नहीं जा रहा, 2 2 4 बचे 1 हो गया 2 9 18, 729। देखो 7 2 9 9 9 18 विषम संख्या, 3 से करेंगे तो 3 का भाग 729 में देंगे, तो 3 2 6 बचा, 7 में 6 गया 1 बचा, उत्तर है 2 हो गए 12, 3 चूके 12 और 3 3 9, 243। वापिस 3 से करेंगे, 3 8 24 3 एकम 3,
इक्यासी में 3 से करेंगे तो कितना जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत 21। 27 में 3 से करेंगे 3 हम 27, 3 9 में 3 से करेंगे 3 3 9, और 3 में 3 से करेंगे 3 1 3, है ना, हमारे इधर बोलते हैं 3 1 3, 3 1 3। अब देखो 1458 क्या क्या बना, 2 × 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार, 1 2 3 4 5 और ये 6, है ना, ये 3 का जोड़ा बन रहा है, यहाँ भी 3 का जोड़ा बन रहा है और यहाँ भी 3 का जोड़ा बन रहा है, 2 सिंगल बच रहा है। तो कितने का गुणा करेंगे, 2 से गुणा करने पर 1458 पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब देखो 1458 में कितने से गुणा करेंगे, 2 से, 2 से गुणा करेंगे, 2 8 16 का 6 हासिल, 1 2 5 10 और 11 का 1 हासिल, 1 2 4 8 और 1 9 और 2 1 2, 2916 कितना आ गया, 2916। अब 2916 किसका वर्ग है, तो अपन इसके निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो इसका वर्गमूल निकालेंगे, 2916 अंडर रूट बराबर को 2 8 16, 2 5 10 और 11, 2 4 8 और 9, 2 1 2, हाँ सही गुणा किया। देखो 3 3 कितनी बार है, 3 जोड़े बन रहे 3 के, और अपने 2 का गुणा कर दिया, 2 का जोड़ा बन गया 2 आ जाएगा, तो इनका गुणा कर देंगे, 3 3 9 9 2 18, 18 2 36 का वर्ग, सॉरी गलत हो गया, 3 3 9 9 3 27 और 27 2 कितना होता है, 54, 54 का आएगा। तो 2916 का वर्गमूल कितना गया, 54। ठीक, पांचवा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है, छठा क्वेश्चन लेते हैं, 768, छठा सवाल है 768, 2 से करेंगे। अब देखो इस टाइप से भाग डायरेक्ट लिखना सीखो, सीखोगे तभी तो आगे भी बढ़ोगे ना, सीखोगे, सीखने के लिए अपन देखो 2 का 7 में नहीं जा रहा है, तो अपन 6 तक लेते हैं, 2 को 2, 2 2 4, 2 3 6, 6 तक लिया तो अपन 3 बार में लिया, भागफल लिख रहे हैं यहाँ पे, 2 3 6, अब 7 में 6 गया तो 1 बचा, 1 क्या आ गया, अपन उतारा 6, कितना हो गया 16, 6 उतारा ना तो 16 हो गया, 2 का भाग 16 में दिया, 2 8 16 8, भागफल लिख दिया, अब कुछ नहीं बचा, उतारे 8 हो गए 4, तो 2 चुके 8, वापस 2 से करेंगे, देखो 2 1 2, 3 में 2 गया तो 1 बचा, अब उतारा 8 हो गया 18, तो 2 9 18 और 2 2 4, वापस 2 से करेंगे तो कितना जाएगा, ये 1 में नहीं जा रहा है, 19 लेंगे तो 2 9 18 हो गया और 2 6 12, 1 बचा 2 उतारे, तो वापस 2 से करेंगे तो 2 चुके 8, 2 8 16, वापस 2 से करेंगे 2 2 4, 2 चुके 8, 24 में करेंगे तो कितना जाएगा, 12, आधा कर दीजिए, 2 का करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3, फिर 3 से कर देंगे 1, तो क्या क्या है, देखो 768 का 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, कितने जोड़ा बन रहा है, 1 2 3 4, और गिनटू में क्या है, 3 है, अब 3 बच रहा है सिंगल, तो किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करने पर 768 पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अब देखो 3 से गुणा कर दो 768 में, 3 का गुणा करेंगे क्या आएगा, 3 8 24 का 4 हासिल, 2 3 6 18 2 20 का 0 हासिल, 2 3 7 21 और 2 23 0 4, अब 23 0 4 का वर्गमूल निकालेंगे अपन, क्या आएगा, देखो 2 का जोड़ा कितने बन रहे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और इंटू में क्या, 3 का बनने वाले 3, इनका गुणा कर देंगे, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 43, 48 का वर्ग है 2304। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 5वे के सवाल सभी कंप्लीट हो चुके हैं, उम्मीद है आपको पूरे सवाल समझ में आ गए होंगे बहुत ही अच्छे से तरीके से। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6, ये आ गया अपना 6टा, कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए, जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, जिस तरह की नई संख्या को वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको बताना था सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, यहाँ पे भी आपको सबसे छोटी लेकिन भाग देना है, इससे भाग देने पर, तो आपको भाग देना है, तो इसी प्रकार से जैसा अपन ने इन सवालों में किया कि अपन ने उसके क्या निकाले, अभाज्य गुणनखंड निकाले, जो युग्म बच रहा था, जिसका युग्म नहीं बन रहा था उस संख्या का गुणा किया, तो अब अपन भाग कर देंगे,
बिल्कुल आपका जो पांचवा सवाल है उसके जैसा ही अपन ने किया है, करना है, ठीक है ना। तो इसका अपन पहला सवाल लेते हैं 252। छठे का पहला क्या है, ये भी 252 है। देखो 252 के निकालेंगे अपन क्या, अभाज्य गुणनखंड। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छंगे 12। 2 छंगे 12, 2 तिया 6। भाग रहे हैं अभी अपन ने, क्या बार बार बताने की जरूरत नहीं। 3 से 3, 2 छः, 3 एकम 3। अब इसी ने 3 सत्य 21, 7 से करेंगे, 7 करना 7। अब देखो 252 का क्या है, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 7। 2 का युग्म बन गया, 3 का युग्म बन, लेकिन 7 का नहीं बना। तो अब इस 7 से भाग देने पर क्या जाएगा, यहाँ पे 7 से भाग देने पर क्या है, 252 पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। देखो 252 में अपन किससे भाग देंगे, 7 से भाग देंगे। तो 252 में अपन ने किससे भाग दिया, 7 से। 17 21 कितना बचा, 4। उतारे 2 हो गए 42, 7 5 42, तो भाई कितना आया, 36। तो क्या आ गया आपका, देखो 252 भागित 7 कितना गया, 36। अब इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे 36 का, तो बस अभी आप इस संख्या को हटा दीजिए। 2 और 3 का जोड़ा बन रहा है, तो 2 × 3 कितना हो गया, 6। तो इस 36 का वर्गमूल किया गया, 6 गया। अब आपको क्या करना है, भाग देना है, ठीक। अब इसी का दूसरा सवाल देखते हैं अपन। देखो दूसरा सवाल है 2925। अब इसके अपने को अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है। देखो इकाई अंक 5 है, 5 से कर दीजिए, 5 का भाग देना है 2925 में। देखो 2925 में अपन 5 से भाग देंगे, भागफल ऊपर लिखता हूँ मैं। 5 × 25 कितना बचा, 9 में से 5 गए तो 4। उतारे 2, 5 × 8 = 40 कितना बचा, 2। उतारे 5, 5 × 5 = 585 आ गए। वापिस 585 में कैसे करेंगे, 5 से करेंगे। अब देखो यही भाग देना सीखो, 5 एकम 5। अब 8 में देंगे, 5 एकम 5। अब 8 में से 5 गए, 3 बचे। अब 3 के आगे उतारा अपन ने 5, तो हुआ 35, 5 × 7 = 35, 117। अब देखो 117 है, तो 117 योग करेंगे, 1, 2 और 7, 2, 9। 9 में 3 का बाकी ले जाए, 3 से कर दीजिए। इकाई अंक 5 नहीं है ना, 5 से नहीं कर सकते। अब 3 से करेंगे तो कितने आएगा, 3 × 3 = 9। 11 में से 9 गए, 2 बचे, हो गए 27, 3 × 27। 39 में 3 से करेंगे, 3 एकम 3 और 3 × 9। 13 अभाज्य संख्या, 13 का 13 से कर देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या क्या आया, 2925 का क्या बना, 5 × 5 × 3 × 3 × 13। अब यहाँ 5 का युग्म बन गया, 13 का युग्म बन गया, जोड़ा बन गया, 13 बच रहा है, 3 का बन गया, 13 बच रहा है। अब 13 का भाग देंगे अपन किस में, 2925 में। देखो 13 का भाग देंगे, वही संख्या रहेगी आपकी आंसर, है ना। तो 13 का 1 कम 13, 13 × 2 = 26। 9 में से 6 गए, कितना बचा, 3, 2 में से 2 गए तो 0। उतारा 2, 13 1 कम 13, 13 × 2 = 26 वापस कितना बचा, 12 में से 6 गए तो 6, 3 में से 2 गए 0। उतारे 5, हो गए 65, 13 × 5 = 65, 225। तो क्या आ गया, 200। अब 225 का वर्गमूल निकालेंगे अपन, तो क्या जाएगा, इस 13 को हटा दिया अपन ने, तो क्या आएगा, 5 × 3, 5 × 3 कितना होता है, 15, 15। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो चुका है, किससे का, छठे का। अब अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। देखो तीसरा सवाल है अपना, तीन सौ छियानवे। चौथा सवाल है 2645। ठीक, अब अपन डायरेक्ट करेंगे, ज़्यादा जल्दी मतलब जल्दी नहीं करेंगे, लेकिन पूरा स्टेप बाय स्टेप नहीं करेंगे। देखो सम संख्या 2 है, 2 से करेंगे, इकाई अंक समय 2 से करेंगे, 6। 2 का 396 में भाग देना है, तो 2 एकम 2 कितना बचा, 1, हो गए 19, 9 उतारे तो 2 × 9 = 18 और 2 × 8 = 16। 2 से वापस किया, 198 में भाग दे रहे हैं अपन, भाग पर लिख रहे हैं, 2 × 9 = 18 और 2 × 9 = 18।
अब इक्का अंक क्या है? नौ नौ, तो तीन से कर दिए विषम संख्या की ना, तीन तिया नौ, तीन तिया नौ, 33 में तीन से करेंगे, तीन एकम तीन, तीन एकम तीन, 11 बाद संख्या के 11 में 11 से कर दीजिए। ठीक, अब देखो 396 का क्या बना, 2 × 2 × 3 × 3 × 11। अब इनका करेंगे, देखो क्या है, दो का जोड़ा बन गया, तीन का बन गया, अब किससे भाग देना है इसमें, 11 से। 396 में कितने का भाग देंगे, 11 से भाग देंगे। देखो 11 से भाग करने पर 396 पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। देखो 396 भाग देने 11 से, 11 तिया 33 कितना बचा, 6 उतरा, 6 11 6 66 किया गया 36, 36। अब 36 का वर्गमूल निकालेंगे अपन, तो क्या आएगा, दो 36 का वर्गमूल क्या आएगा, 6, क्योंकि 2 और 3 का जोड़ा बन रहा है नहीं, तो 2 × 3 बराबर 6। अब 2645, 2645 से इकाई अंक 5 है, 5 से करेंगे, 5 का 26 में दिया, 5 25, 26 में 25 का एक बचा, उत्तर 4 हो गए 14, 5 3 5 2 10, 5 3 5 ज़्यादा हो जाएगा, 4 बच्चे हो गए 45 5 45। 529 का अपन ने निकाला अभी इसी एक्सरसाइज में, 23 का वर्ग है, 23 से कर देंगे, ऐसी संख्या है, अब याद रखना चाहिए आपको, अब समझ गए होंगे आप पुराने सालों में अपन ने किया। देखो क्या है, 2645 का 5 × 23 × 23, अब देखो 23 का जोड़ा बन रहा है, 5 से भाग देंगे, किससे, 5 से भाग करने पर 2645 पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक, अब देखो 5 से भाग दे देंगे अपन, 2645 में भाग देंगे 5 से, तो अभी 5 से भाग दिया अपन ने, कितना है 529, 529 का वर्गमूल निकालेंगे, कितना आएगा, 23 बच रहा है बस, 23। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पांचवा, पांचवा सवाल है 2800। अब 2800 में करेंगे अपन किससे, 5 से, देखो 5 से 2 से भी कर सकते अपन, 5 2 से करते हैं, 14 में किया सॉरी 28 में किया, 14 आ गया, और 2 0 ऐसे कैसे लिखते, वापस 2 से किया, 2 7 14 और 2 0, 2 से वापस करेंगे तो आधा करना है, 700 का आधा होता है 350, वापस 2 से, देखो 350 का आधा कितना होगा, तो 2 एकम 2, 2 7 14 2 5 10 175, अब 170 5 एक अंक 5 से कर देंगे, 5 3 15 बचे 2 हो गए 25 5 25, 5 से करेंगे 35 में 5 7 35, 7 आवाज संख्या 7 का 7 से कर दीजिए। अब 2800 का क्या है, देखो 2 4 बार है, 5 2 बार और 1 बार 7, ये युग्म बन गया, 7 बच रहा है, तो किससे भाग देंगे, 7 से भाग करने पर क्या जाएगा, 2800 पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। 2800 में कितने से भाग देना है अब आपको, 7 से, देखो 7 × 28 400। ठीक, 400 का वर्गमूल देखो √400, तो ये 7 हटा दिया अपन ने, ठीक क्या बन गया, 2 × 2 × 5, 2 × 2 = 4 4 5 = 20, 400 का वर्गमूल क्या गया, 20 आ गया। अब देखो लास्ट क्वेश्चन छठा, छठा सवाल है अपना 1620, इकाई अंक सम 2 से, 2 8 16, 2 एकम 2 0, वापिस 2 से, 2 2 8 भाग नहीं जाए उसकी 0 2 5 10, 0 के लगाए अपन ने, 1 में नहीं जा रहा है 2 का भाग, तो अपन 10 लेंगे, 0 भी उतारेंगे, भाग नहीं जाए उसकी 0 लगती है। अब किससे करेंगे, देखो 3 से कर सकते हो, 5 से करो, 3 से करेंगे, 3 एकम 3, बचा 1 हो गए 10, 3 3 9, फिर बचा 1 हो गए 15, 3 5
फिर तीन से करेंगे, 5 3 8 9 हो जाएगा, 3 चौके 12, 3 5 15, वापिस 45 में 3 से करेंगे, 3 1 3 3 5 15, 15 में 3 से करेंगे, 3 5 15, 5 में 5 से करेंगे, 1000। क्या क्या है देखो, 1620 का 2 × 2, 3 कितनी बार है 4 बार, और 1 बार 5, तो यहाँ युग्म बन रहा है 2 का, 3 का, 3 का, 5 का नहीं बन रहा है, तो अपन क्या करेंगे 5 से भाग करने पर 1620 पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। देखो 1620 में भाग दे दिया अपन ने 5 का, 5 3 15 बचे 1 हो गए, 12 5 2 10 बचे 2 हो गए, 20 5 20, 324। अब 324 का वर्गमूल निकालेंगे अपन, तो यहाँ पे आप 5 हट दिए, क्या बचा 2 और 3 और 3, 2 × 3 × 3, तो 2 3 6 6 2 9 6 3 18, 18 का वर्ग होता है 324। तो ये आपके पांचवा और छठा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुके हैं, छठे के 6 सवाल। तो आपको ये पांचवा और छठा सवाल अच्छे से बारीकी से समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखो प्रश्न क्रमांक 7 लेते हैं, नंबर 7वां है कि एक विद्यालय में एक कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राहत राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ध्यान से समझना, कितने रुपये टोटल कलेक्ट किए, 2401 रुपये दान में आए, और हर विद्यार्थी ने कितने रुपये दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। तो इसका आंसर क्या आएगा, अपन कैसे निकलेंगे, तो मान लीजिए अपन कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, देखो कौन सा 7वां सवाल, माना कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या एक्स है, कितने विद्यार्थी कक्षा में मान लीजिए एक्स विद्यार्थी है। अब देखो प्रश्न वाला बोल रहा है कि कक्षा में जितने विद्यार्थी थे बच्चों ने उतने ही रुपए कलेक्ट किए, पर बच्चे से उतने ही रुपए लिए गए। तो अब यहाँ पे क्या आएगा कि कक्षा के सभी विद्यार्थियों ने, देखो कक्षा, चूंकि कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये दान दिए। देखो 2401 रुपये दान में दिए, तो विद्यार्थियों की संख्या और कितने कितने रुपए कलेक्ट किए, तो वो आएगा एक्स स्क्वायर बराबर कितना जाएगा 2401। जैसे कि मान लीजिए कि 5 विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं, 5 विद्यार्थी हैं, 5 विद्यार्थी है। अब 5ों विद्यार्थियों ने से अपन ने 5 5 रुपये लिए, जितने विद्यार्थी उतने रुपये दिए, तो 5 विद्यार्थियों ने 5 5 रुपये दिए, तो 1 विद्यार्थी ने 5 रुपये दिए, 5 विद्यार्थी ने कितने दिए, 5 इनका गुणा कर देंगे तो 25। तो जितने विद्यार्थी थे उसका वर्ग टोटल रुपये कलेक्ट हुए, तो यहाँ पे जितने विद्यार्थी थे उतने रुपये दिए, तो उसका वर्गमूल मतलब एक्स स्क्वायर बराबर 2401, तो जितने रुपये कलेक्ट हुए उसका वर्गमूल क्या रहेगा आपका, उतने क्लास में विद्यार्थियों की संख्या रहेगी। तो 2401 का अपन क्या निकाल लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे, तो उतने ही विद्यार्थी रहेंगे और उतने ही रुपये कलेक्ट किए पर विद्यार्थी ने। देखो 2401 का अपन क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब 2401 है तो इसे किससे डिवाइड करेंगे, देखो 7 से, 2 से जाएगा नहीं क्योंकि विषम संख्या है, 3 से नहीं जाएगा क्योंकि 4 2 6 7 जोड़ने पर 7 आ रहा है, उसके बाद 5 से नहीं जाएगा क्योंकि इकाई अंक क्या है, 5 नहीं है, तो अपन 7 से करेंगे, 7 का भाग देंगे 2401 में, 2401 में अपन 7 से भाग देते हैं तो कितना जाएगा 17 21, 24 में से 21 गया, 3 बचा, उत्तर है 0, वापिस करेंगे 7 से, 7 चौके 28, 30 में से 28 गए कितने बचे 2, उतारा 1 हो गए 21, 17 21, तो कितना होगा 343।
वापिस सात से करेंगे, सात का भाग 343 में देंगे, देखो सच्चुक 28 और सात नाम 63 गुण 50 बार में, वापिस सात से करेंगे 700 49, वापिस सात से करेंगे सात एकम सात। अब 2401 का क्या जोड़ा बना अपना, सात गुणित सात गुणित सात गुणित सात, एक दो जोड़े बन रहे सात के, तो दो बार गुणा कर देंगे गुण 50, तो x बराबर कितना गया गुण 50 गुणित 49। 2401 के गुणनखंड क्या टूटे, अभाज्य गुणनखंड गुण 50 इंटू गुण 50, यहाँ वो दो बार था तो करनी से बाहर निकल गया। तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी गुण 50, और हर विद्यार्थी ने गुण 50 रुपये दिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं अपन, प्रश्न क्रमांक 8 है। दो एक बाग में 200,025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितने पंक्तियों की संख्या हो। तो पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसा अपन ने क्वेश्चन नंबर 7 में किया ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अपन ने यहाँ पे ये पेड़ लगे हुए हैं, ठीक, इधर भी तीन है और इधर भी तीन है, तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेड़ हो गए। मतलब जितने इस लाइन में थे उतने इस लाइन में थे, तो उसका वर्ग क्या जाएगा, वर्ग। तो यहाँ पे टोटल पौधे कितने दे रखे हैं, एक बाग में पौधों की संख्या कितनी है 2025, तो कितने पौधे रहेंगे एक पंक्ति में, तो पौधों की संख्या क्या निकालेंगे, इसका वर्गमूल रहेगा। तो अपन क्या निकालेंगे, माना कि पंक्तियों की संख्या क्या है एक्स है, माना कि पंक्तियों की संख्या एक्स है। अब देखो पौधों की संख्या, तो कितने पौधे हैं बाग में, देखो बाग में 2025 पौधे हैं, इसलिए एक्स स्क्वायर बराबर कितने जाएगा 2025। अब यहाँ से वर्ग हटेगा, सामने वाले लग जाए करनी, तो अपन किसका वर्गमूल निकालेंगे, 2025 का वर्गमूल निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से 2025। तो इकाई अंक 5 है, 5 से कर लीजिए, पंचुक 20 भाग नहीं जाए उसका 0 लगाएंगे, 2 में नहीं जा रहा है तो 25 करेंगे, 5 25, वापिस 5 से करेंगे 5 8 40 और 5 एकम 5। अब 81 है, 81 करेंगे 3 से, 3 2 6 3 7 21, वापिस 3 से करेंगे 3 हम 27, 3 से करेंगे 9 में 3 3 9, वापिस 3 से करेंगे 1। तो क्या है इसका, देखो एक तो 5 का जोड़ा बन रहा है, एक 3 का बन रहा है और एक 3 का बन रहा है। देखो 5 5 3 3 और 3 3, एक्स बराबर कितना जाएगा, 5 का जोड़ा 3 का जोड़ा और 3 का जोड़ा, 5 × 3 × 3 कितना गया, 5 3 15 15 43 45 पौधे। प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे हैं, 45 पौधे और 45 ही पंक्तियां हैं, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो चुका है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं अपन, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 9 और 10 से प्रत्येक में विभाजित हो जाए। अब देखो तो अपन छोटी से छोटी वर्ग संख्या, क्या सर कौन सी संख्या, वर्ग संख्या ज्ञात करनी है, तो अपन इसका क्या निकलेंगे, तो 4 9 और 10 का जो एलसीएम आएगा वही वो सबसे छोटी से छोटी संख्या रहेगी। तो अपन क्या निकालेंगे, 9 में 4 9 और 10 का एलसीएम निकालेंगे, वही संख्या रहेगी आपकी, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि वहाँ सबसे छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 9 और 10 से विभाजित हो जाए। तो अपन सबसे पहले छोटी संख्या निकालेंगे, उसके बाद वर्ग संख्या निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा, 4 और 9 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से करेंगे, 2 से 4 में किया 2 2 4, 9 में नहीं जा रहा 9 ऐसा किसे लिख दिया, 10 में किया 2 5 10, वापस 2 से करेंगे 2 1 2, 9 में नहीं जा रहा 9 ऐसा किसे लिख दिया, 5 में नहीं जा रहा 5 ऐसा किसे लिख दिया। अब किससे करेंगे, 3 से 1 3 3 9, 5 में नहीं जाएगा 5 ऐसा किसी, वापस 3 से करेंगे 1 3 1 3 और ये 5, 5 से कर लिया 5 1 5। अब देखो इन्हें क्या लिख देंगे अपन, 2 × 2 × 3 × 3 × 5, कितना गया, 2 2 4 4 3 12 और 12 36 × 5, 6 5 30, 6 3 18 और 3 21, 210। तो ये क्या आंसर आया आपका, 210। लेकिन ये वर्ग संख्या पूछी है उन्होंने, क्या पूछिए, वर्ग संख्या पूछी है। तो वर्ग संख्या निकालने के लिए अपन क्या करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड में आपका यहाँ पे देखो 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन 5 का जोड़ा
नहीं बन रहा है, तो अपन इसका क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे। देखो पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए कितने से, 210 में 5 का गुणा करने पर, 5 का गुणा क्यों किया, क्योंकि 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। 210 में अपन 5 का गुणा करेंगे, 0 5 5 और 5 2 10, 1050। कितना गया, 1050। तो दोस्तों ये गड़बड़ हो गया, 35 5 3 15 3 18 आ गया, यहाँ पे 180 आ गया, 180। ये भी कितना आ गया, 180। 5 का गुणा 180 में करेंगे, 0 5 8 40, 5 1 5 4 9 900। अब देखो 900 ऐसी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, 900 इसका वर्ग है, 30 का वर्ग है, और यहाँ पे 4 का भाग भी चला जाएगा 900 में, 5 9 का भी चला जाएगा और 10 का भी भाग चला जाएगा। ठीक है, आप भाग देकर देख सकते हो। उसके बाद 10वां सवाल, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.3 का 10वां सवाल, कि वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिस जो प्रत्येक 8 15 और 20 से विभाजित हो जाए। 9वां और 10वां सवाल आपका बिल्कुल सेम है, जैसा अपन ने 9वां सवाल किया ऐसे ही करेंगे, 8 15 और 20 का निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। दो दो से करेंगे, 2 4 8, 15 में नहीं जा रहा है, 15 ऐसा कैसे लिखा, 20 में नहीं जाएगा, 20 भी लिख दिया। उसके बाद वापस 2 से करेंगे, 2 2 4, 15 में नहीं जा रहा है, 15 ऐसा इसलिए सॉरी 20 में चला जाएगा, 2 2 20, 2 वापस 10 में करेंगे, 2 5 10। वापस 2 से करेंगे, 2 1 2, 15 में नहीं जा रहा है, 15 ऐसा ही लिखा, 5 में नहीं जा रहा है, 5 भी लिख दिया। अब किससे करेंगे, 3 से, 1 3 5 15, और 3 5 में नहीं जा रहा, 5 ऐसा किसी, अब 5 से कर लेंगे, 1 1 1। अब दो क्या आया, 2 2 2 2 3 5, इनका गुणा करेंगे, 2 2 4 4 2 8, 8 3 24, 24 5 120। कितना गया, 120 आ गया। अब देखो 120 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन इसमें आपके कौन कौन सी जोड़े नहीं बन रहे 120 में, तो 120 में आपका 2 का जोड़ा तो बन गया, लेकिन इस 2 का 3 का और 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो पूर्ण संख्या बनाने के लिए पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए कितने का गुणा करेंगे, 1 तो 2 का इंटू 3 इंटू 5, इनका गुणा करेंगे तो 2 3 6 6 5 30 का गुणा करने पर 120 में कितने गुणा करेंगे, 30 का, तो क्या जाएगा, 2 0 12 3 3600, कितना आया, 3600। 3600 का वर्गमूल है 60, सो 6 किसका, 36 का हो गया, 6 का वर्गमूल, 36 का वर्गमूल क्या होगा, 6 2 0 3 0 लग गई 60, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन गई। तो इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट हो चुकी। ठीक है, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।